ओके तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय बोले जय शंकर। तो भाई अपना आज का सफर शुरू हो चुका है और सफर इतना खुशनुमा है क्योंकि आज घर जाने की खुशी हो रही है। आज मैं अपने घर पहुंचाऊंगा भाई साहब। और अभी मैं रुका था पानीपत में, यहाँ पर मेरी दादी जी रहती है ना सुंदापुर में, तो उन्हीं के घर रुका था। तो खाना पीना भाई दो तीन टाइम चाय दूध, ओह मज़ा आ गया। तो अभी घर जाके देखते हैं क्या सीन बनने वाला है। इस जगह से मेरा गांव बचा है 23 किलोमीटर और आज तो ऊपर वाला भी मेहरबान हो रखा है। धूप निकली है लेकिन तेज नहीं है आज, वो कहते ना एकदम कड़क धूप वो नहीं है आज, बादल हो रखे है। बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाए, याद हो जाएगा, यादगार रह जाएगा ये दिन भी कि जिस दिन घर पहुँचे थे उस दिन बारिश हो गई। ये है मुरथल का टोल। अभी आपने बाहर के स्टेट हो गए ना बहुत सारे देख लिए होंगे ढाबे होटल, अब मैं आपको ना मुरथल के ढाबे दिखाता हूँ भाई जो फेमस है एक से बढ़कर एक। हिमाचल में हवेली देखी, उसके बाद में कटरा से निकले तब हवेली आई थी, और ये है देखो मुरथल गांव की मन्नत हवेली। ये है भाई साहब लुक, एकदम जो हवेली का लुक होता ना इसका लुक ऐसा। मैं इसमें एक ही बार गया था, बस पानी पी के आया था और क्या। ये बड़ा लुक इसका खतरनाक, इसके बाहर जो मूर्तियाँ लगा के ना एकदम बड़ी बड़ी, अरे भाई साहब। और ये जो सामने है ये धर्मपा जी का ढाबा गरम धर्म, जब ये बना था ना नया, इसका इतना नाम उठा था भाई कि धर्मेंद्र जी का ढाबा खुल गया मुरथल गांव में, इतनी भीड़ रहती थी। और अब पता नहीं क्या हो गया, भीड़ एकदम ख़त्म ही होगी। मैटर करता है यार हमेशा स्वाद और जो स्टाफ होता है उनका बिहेवियर कैसा है। हम भी वैसे खा के आए थे, अंदर से इतना मस्त डेकोरेशन है इसमें खतरनाक, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा भाई, अब एकदम भीड़ कम हो गया है। और जो सबसे फेमस है ढाबा चलो उसको दिखाते हैं। और ये है मुरथल का सबसे फेमस ढाबा अमरीक सुखदेव, इतना फेमस है कि इसका नाम अगर मैं किसी को कह देता ना कि मैं मुरथल से आऊँ तुरंत कहते हैं वो ढाबे वाला गाँव का, हाँ भाई वहाँ पे। और सुखदेव का नाम तो सभी को याद रहता है, और किसी को नहीं पता अमरीक सुखदेव का मतलब क्या है, तो ये दो भाइयों का नाम है, एक का अमरीक और दूसरे का सुखदेव। भाई मुरथल का जो सबसे फेमस ढाबा है पहले नंबर पर आता सुखदेव, बाकी चाहे कोई भी किसी नंबर पर आ जाए लेकिन पहले नंबर पर आता हमेशा सुखदेव। और इसको जो मॉडिफाई करके बना रहे हैं देखो उधर में, और जो हॉल है इसका मैरिज के लिए, भाई मैं पहली बार आया था दोस्त की भाई की शादी थी ना तो अटेंड किया, भाई साहब अंदर से एकदम महल बना रखा है ये भी। पर इसकी जो बाहर की भीड़ है ना उतनी अंदर है, ऐसे नहीं कि पार्किंग बाहर बाहर है, अंदर भी इसमें पार्किंग है। और नए साल पे अगर मैं यहाँ रहा ना तो दिखाऊंगा कि अपने यहाँ ढाबों पे क्या सीन होता है। और मुरथल में एक और ढाबा फेमस है सामने वो जो लिखा हुआ ना हवाई अड्डा, क्योंकि इस ढाबे का जो लुक है बाकी ढाबों के मुकाबले अलग है, तो इसकी वजह से थोड़ा नाम भी चलता है कि भाई जाजो वाले ढाबे पे चलेंगे मुरथल में, तो इसी वजह से इसका थोड़ा नाम चल रहा है। पहुँच चुके हैं भाई मुरथल अड्डा, ये मेरे गांव का चौक है, अब यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना जो कि 1 किलोमीटर और है मेरा घर बस। और चौक पे आके ना बहुत अजीब लग रहा है भाई, अब लोग देख लेंगे ना तो पहचानेंगे, अरे भाई ये तो आ गया लड़का जो साइकिल पर घूमता ना मुरथल गाँव। बैग टिक्की पैक कर दें, आधे किलो मूँगफली, धन्यवाद। पहुँच चुके हैं भाई, ये मेरा छोटा भाई खड़ा, मैंने बुलाया कि भाई तू फोन पकड़ लिया वीडियो वगैरह बना दिए ना, फिर मेरे से वीडियो ना बना यार। ये भाई मेरी दादी छोटा भाई, और ये जो तीसरा मेंबर था ये के अरे छोटी जी रे
ये देख, ये देख ले, नहीं ये कुछ ना कहती इन तय डोली चिकी 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 और वो आ रहे हैं सब मैंने देखा ना, ये जो आ रहे हैं ना भैया एक आनंदू वो रोकी हाँ भाई सुना दे मेरी वीडियो ने देखता ना, कौन सी देखी थी लास्ट देखी हूँ वीडियो देख लिया करो, हाँ भाई सुना दे सोरे। घर आने के बाद मैंने साइकिल से अपना सारा सामान उतार के रख दिया था और मैं घूमने चला गया था दोस्तों से मिलने वगैरह या इधर उधर चला गया था, और आके देखा तो भाई इसका देखो टायर ना जो हवा निकल रही थी ना मैं बस जुगाड़ करके भर के लेके आ रहा था, मुझे पता तो था कि पंचर है, अब पूरा मिल गया, अब इसको खोलूंगा अब देखूंगा कैसे क्या है क्योंकि मेरे पास पंप नहीं है भरने के लिए, वो एसपीटी ले गया और क्या करें यार अब इसका अगर क्योंकि 5-6 तो पहले ही मैं लगा चुका हूँ तो टीवी चेंज कराएंगे या फिर टायर में ना मेरे को लग रहा कि इसमें ना छोटा सा कोई तार घुस गया तो इसी वजह से, और मैं घूमने गया था तो मेरी जो दाढ़ी थी ना यार वो डैमेज हो चुकी थी क्योंकि 3-4 बार मैंने इस पर प्रेसिंग करा ली थी ना तो मैं कटवा के आ गया क्योंकि यार वो जब ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है ना तो कटवा लेता हूँ मैं बीच बीच में, तो फिर बढ़ाएंगे फिर करा लेंगे क्योंकि अभी तो ट्रिप बनते रहेंगे यार, और समझ नहीं आ रहा कि यार घर तो मैं आ गया अब करूँ तो क्या करूँ क्योंकि शाम भी हो चुकी है, तो हाँ घूमने जाऊँ और मैं इतना ज़्यादा घूमता नहीं हूँ घर आने के बाद में, कोई रिश्तेदारों के घर में बहुत कम ही जाता हूँ बस, अब पता नहीं क्या करें, और सब होता ना कि जब आप घर आते ना अजीब हाल लगता है एक बार यार आपका कमरा हो गया या कुछ भी हो गया अभी बस है क्या है क्यों है पता नहीं, मैं बार बार रसोई में जाके देखता हूँ कुछ मिल जाए खाने के लिए, चावल रखे हैं और ये रखे खीरे और क्या रखा है ये खील, फ्रिज में और चेक कर लेता भाई मैं फ्रिज में तो ना गया अभी तक, वाह नींबू टमाटर ये दूध निकाल दिया मेरे लिए वाह, नीचे रखे हैं बैंगन चल तू बंद हो जा, और ये गोले, तो भाई ये है फिलहाल अपना घर और क्या बताए अब, ये डोली बैठी है ए इन्होंने आने के बाद तो ऐसे भाई कितना वो किया कि मैं ये मतलब क्या सोचते होंगे कि यार क्यों जाता हूँ मैं, ये ओगी ओगी जी और ये दो मेंबर और हैं इनका पहले मैंने नाम नहीं रखा, ये छोटी माता वो बड़ी माता है, और इसका नाम जो था ना किधर यारी सुंदरी, इसका नाम रख दिया मैंने सुंदरी, ओहे सुंदरी जी ए सुंदरी जी ए चिक 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 खेलते हैं भाई, ये काट दिया ऐसी लगी बस इसको कोई खुजली कर दो बस चिक 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 लदे चिक 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 चल, तो भाई मैं इतना सोच रहा हूँ कि अब की बार सिर्फ 3-4 दिन का गैप हो और निकल अभी निकलेंगे ना तो आपको वीडियो में पता लग जाएगा कि कहाँ क्या निकले हैं, और बहुत सारे लोगों के सवाल है यार मैं समझ नहीं आ रहा कैसे मैं वीडियो बनाऊं या फिर जो नेट होगा उसमें बीच बीच में मैं आपके आंसर डालता रहूँगा, समझ नहीं आ रहा यार कि करे तो कैसे करे, घर आने के बाद ना एक अजीब ही अलग ही माहौल हो जाता कि समझ नहीं आता, तो ये वीडियो बस इतना ही रहेगा, बाकी ठीक था मज़ा आ गया भाई, ये लद्दाख ट्रिप था ना एडवेंचर था फुल ऑन, खतरनाक जगह पे कैंपिंग की है भाई, अब की बार में ऐसी जो कहते हैं ना कि रात को आपने पानी भर के रखा सुबह पूरा जम गया पूरी रात को ऐसे पैर इकट्ठे करके सोए क्योंकि तो भाई नींद तो आए ना क्योंकि इतनी ठंड, मज़ा आ गया लद्दाख ट्रिप याद रहेगा, और ये वीडियो बस इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना कमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, राम राम।